हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, आज जो पोस्टर मैं बनाने जा रही हूँ वो है दशावतार का अंतिम अवतार, जिसे हम कल्कि अवतार के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैं एक सिंपल सा बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें मैं एक कर्व लाइन खींचकर उसके आगे चक्री टाइप का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। और ये जो हमने कर्व टाइप की लाइन खींची थी या कर्व बनाया था, उसके अंदर पत्तियों का शेप दूंगी मैं। एक साइड में पेड़ में जैसे हम पत्तियां बनाते हैं वो बनाएंगे, और दूसरी साइड डिफरेंट टाइप की पत्ती का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे ही चारों ओर सेम पैटर्न को हम जो है बार बार ड्रॉ करके चारों ओर का बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा जो बॉर्डर है चारों ओर का वो कंप्लीट होने को है। और अब मैं कल्कि अवतार में पहले भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को ड्रॉ कर रही हूँ, जिसमें मैं एक फिगर ड्रॉ करूँगी जिनके हाथ में तलवार है, कंधे पे धनुष होगा और ये घोड़े पर बैठे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार युगों की जो अवधारणा की गई है उसमें वर्तमान समय को कलयुग कहा गया है। और ऐसा माना गया है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे झूठ, लोभ, लालच, भ्रष्टाचार ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा ये सब जो सद्गुण हैं ये बहुत तेज़ी से गायब हो जाएंगे, ये लुप्त होते जाएंगे। और इसका अंत करने के लिए जिनका अवतरण होगा, जो विष्णु का अंतिम या दसवां अवतरण होगा वो होगा कल्कि अवतार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी जो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, इसमें मैंने जो मनुष्य का फिगर बनाया है उसमें इनका जो राइट हैंड है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, जिसमें मैंने तलवार का अभी जो हैंडल है वो पकड़ाया है। और बाद में इनका मुकुट बनाने के बाद मैं जो तलवार का पूरा शेप है उसे कंप्लीट करूंगी। और इस फिगर में जो घोड़ा मैं बनाऊंगी वो आपको देखने पे दौड़ता हुआ सा प्रतीत होगा, जैसे युद्ध के वक्त घोड़े एक्टिव रहते हैं। वीर राजाओं का जो पोस्चर होता है वैसा देखने में हमें ये फिगर प्रतीत होगा। फ्रेंड्स, अभी मैं घोड़े का मुंह आगे का जो फेस होता है उसे ड्रॉ कर रही हूँ। और उसके बाद जब ये चेहरे का पूरा वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं गर्दन से स्टार्ट करके घोड़े की पूरी बॉडी को ड्रॉ करूँगी। और फिर हमारा जो ये मेन फिगर है इसकी आउटलाइनिंग आप लगभग लगभग कंप्लीट देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कलयुग में जो कल्कि अवतार की अवधारणा की गई है वो किस प्रकार से दिखेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग का अंत होते होते पृथ्वी पर हिंसा और जातीय संघर्ष जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और ये जो खतरनाक स्थिति होगी, ये जो विकट स्थिति होगी, उसमें धर्म की पुनर्स्थापना के लिए विष्णु का कल्कि अवतार होगा। पुराणानुसार इस अवतार में भगवान शंभल नगर नामक जगह पर जन्म लेंगे। और उनका जो वाहन होगा, ये जो घोड़ा अभी आप देख रहे हैं बनता हुआ, इनका नाम होगा देवदत्त। और इनका इस रूप में जो अस्त्र होगा वो होगी तलवार। कल्कि रूप में अवतरित होकर विष्णु कली रूपी राक्षस का नाश करेंगे। और इसके बाद जो पृथ्वी है इसमें समस्त जो अनाचार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएगी। और एक सुंदर सुखद समय का जो है फिर से आविर्भाव होगा, जिसे फिर से सतयुग के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स, तो घोड़े का जो पूरा फिगर है हमारा वो अब कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग है तो सजाया जाना जो है वो तो कंपलसरी है। तो अब हम घोड़े की बॉडी में अलग अलग पैटर्न्स का यूज़ करके उसे सजाएंगे और कोशिश करेंगे कि अधिकतर पार्ट जो है घोड़े की बॉडी का उसे डिज़ाइन से कवर कर लिया जाए। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि घोड़ा इनकी सवारी है तो उसका कलर भी जो है वो भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है हमारे जो पुराण है उसमें। और घोड़े का जो रंग है वो सफ़ेद है, तो हम इस घोड़े में किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम डॉट्स डालेंगे ताकि ये
वाइट भी लगे और बैकग्राउंड से अलग भी हो सके। अभी मैं गले पे डिज़ाइन बना रही हूँ और गले पे डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद जब हमारा फिगर का जो ड्रेस है उनका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा ब्लैक का और घोड़े पे डिज़ाइनिंग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बैकग्राउंड पे काम करेंगे जिसमें हम फूल पत्तियाँ बनाएंगे, पेड़ की डालियाँ बनाएंगे और पूरा बैकग्राउंड भी फिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में मैंने दशा अवतार के 9 अवतार पहले से ही बनाकर आपके साथ शेयर किए हैं। आप द्वारा उसे बहुत पसंद किया गया है और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, जिससे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और उन 9 अवतारों के बाद आज मैं ये 10वां अवतार बना रही हूँ, जिसके बाद हमारी ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपने मेरे साथ बनाया है और सीखा भी है और आप इस पिक्चर को भी बनाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, अपने विचारों को मेरे साथ शेयर करेंगे कमेंट के थ्रू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब हमारे मेन फिगर का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम बैकग्राउंड में वर्क करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले फ्लोर एरिया को कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ हाफ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं जो पत्थर जैसे प्रतीत हो रहे हैं और कुछ जो ऊपर की ओर खाली जगह बचेगी उसमें मैं फूल और पत्तियाँ बनाकर इस पूरे जगह को भरूँगी। और उसके बाद जो ऊपर का एरिया है उसमें हम पेड़ के तने बनाएंगे, जैसा कि आपने देखा मैंने पेड़ के तने ड्रॉ किए हैं। और फिर इसमें कुछ कदम के फूल और पत्तियां बना के हम इस पूरे एरिया को फिलअप कर लेंगे। अभी जो मैं बना रही हूँ वो कदम का फल कहलाता है। मधुबनी पेंटिंग में कदम के फल के लिए इसी प्रकार का जो है फिगर ड्रॉ किया जाता है। तो डालियों का जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे हम कदम का जो फल है उसे ड्रॉ करेंगे और बाकी पोर्शन में हम डीपली पत्तियाँ ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे के बहुत करीब बनेंगे, जिससे कि पूरा बैकग्राउंड का एरिया भरा भरा सा दिखेगा। अब हमने लगभग पत्तियाँ बना ली है और अब एक पत्ती को छोड़कर एक पत्ती में मैं ब्लैक कलर से कचनी करूँगी और जो एक पत्ती हम लोगों ने खाली रखी है उसको हम डीप ग्रीन कलर से भरेंगे जब हम कलर का वर्क स्टार्ट करेंगे। हमारा कलर का वर्क स्टार्ट हो गया है, जिसमें सबसे पहले मैं ब्लैक कलर से जो हमारा फिलिंग का वर्क है उसे कंप्लीट कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग बाकी कलर्स से जो है पोस्टर के अलग अलग एरियाज को भर के इस पोस्टर में कलरिंग का वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे।
फ्रेंड्स, अब फिगर में कलरिंग का वर्क हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है और मैं बैकग्राउंड में लाइट पिंक कलर से डॉट्स बना के पूरे बैकग्राउंड को फिल करूंगी। और उसके बाद जो घोड़े की बॉडी है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि उसमें हम ब्लैक डॉट्स डालेंगे जिससे कि घोड़ा वाइट ही दिखता रहे पर बैकग्राउंड से अलग हो जाए। अब घोड़े की बॉडी में डॉट्स का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब जो हमारा काम बाकी रह गया है वो है बॉर्डर में कलरिंग का वर्क। बॉर्डर में कलर कंप्लीट करने के बाद हमारा ये फिगर फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं बॉर्डर में कुछ कलर्स जो हमने अंदर भी यूज़ किए हैं उसमें से कुछ कलर्स को यूज़ करूँगी और एक फिक्स एरिया में उनकी फिलिंग के बाद जो है हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने जो हमने पत्तियों का शेप बनाया था उसमें मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर किया है और बाहर की ओर येलो और अंदर की ओर पिंक कलर से फिलिंग करके बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया। आई होप आप इस पोस्टर को भी पसंद करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए पोस्टर के साथ। तब तक जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सीखते रहें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करते रहें।